फिर दरवाजा कैसे खुल गया? मिष्टी बेटा चार आप पापा की फ्लाइट मिस हो गई है, दूसरी मिली नहीं होगी वरना अब तक आ जाते ना पापा। हाँ मम्मा आने दो डैडी को, मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। आज मेरा बर्थडे है, वो अभी तक नहीं आए। सनी अरे मैंने मेरी बिटिया के लिए इतने प्यार से केक बनाया और तुम उसे काटोगी भी नहीं? नहीं मौसी, जब तक डैड नहीं आ जाते मैं केक नहीं काटूंगी। अरे मेरी प्यारी दीदी, डैड तो सबसे ज्यादा प्यार आपसे ही करते हैं, वो तो जमीन आसमान एक कर देंगे आपके लिए। डैड तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन हाँ मुझसे थोड़ा ज्यादा। अरे ये लाइट कैसे चली गई? मैं टॉर्च लेके आती हूँ, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। सनी मेरे साथ चलो। जाओ जल्दी लेकर आओ। कहीं फ्यूज तो नहीं उड़ गया? मैं देख के आती हूँ बेटा। देख के आओ, मैं भी देखती। नॉक कर रहा हूँ बेटा मैं, क्या हुआ लाइट को? एनीवे कैसा है मेरा बच्चा? कौन है मिश्री? आ गया, देखा आ गए ना पापा, कैसे हो? कम डैडी मुझे पता था अब जरूर आओगे, आपकी लाडली बेटी का बर्थडे जो है। अरे इतना प्यार करोगे ना तो उसे दूसरे घर कैसे ब्याहोगे? नानी मुझे ना शादी वादी नहीं करनी, मैं तो नाना जी और डैड की तरह साइंटिस्ट बनूंगी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करूंगी, है ना डैड? क्यों नहीं बेटा। अरे ये लो लाइट भी आ गई है, चलो आओ बेटा केक काटते हैं। ये जरूर मेरा स्पेशल गिफ्ट होगा।
फोन करता हूँ। मम्मी, डॉक्टर साहब, मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, व्हीलचेयर का लोहा पिघलकर इनके शरीर से चिपक गया है। ऑपरेशन करके उसे निकालना होगा। इनके शरीर का बहुत सारा हिस्सा बहुत बुरी तरीके से जल चुका है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? इतना ज्यादा करंट कि लोहा पिघल जाए? यही बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही है। अजीब बात है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहली बार देखा है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, एसीपी गजानन माजगांव का, क्या मैं देख सकता हूँ? जी श्योर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये केस जितना आपके लिए अजीब है तो उसे कई ज्यादा मेरे लिए भी है, क्योंकि घर की बिजली में इतनी ताकत नहीं होती जो लोहे को पिघला सके। आई थिंक जानबूझ के किसी ने तो इन पर हमला करने की कोशिश की, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके घर में कोई आया था? हो सकता है किसी चोरी के बहाने हो, मतलब मुझे ऐसा लगता कि वो जो आया था उसका कुछ तो खास मकसद था घर में आने का। आप मुझे बताओ, पैसे और जेवर, इनके अलावा आपके घर में ऐसी कोई चीज है जो बहुत ही खास है? ऐसी कोई खास चीज तो रिसर्च हो सकती है। रिसर्च? हाँ, वो हमारे परिवार में लगभग सभी लोग साइंटिस्ट हैं, और मेरे फादर इन लॉ तो काफी फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अवस्थी साइंस रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी, जहाँ पर उन्होंने अपने काफी इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर्स रखे हुए हैं। क्या मैं आपके रिसर्च फाउंडेशन को देख सकता हूँ? क्या है वो रिसर्च? मेरे फादर इन लॉ एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे जो इंसानों से भी ज्यादा समझदार हो, लेकिन इससे पहले कि वो बना पाते उनका देहांत हो गया। फिर उनके जाने के बाद दूसरे साइंटिस्टों ने मुझसे वो रिसर्च पेपर्स मांगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इस वक्त वो रिसर्च कहाँ है? वो रिसर्च एक डिस्क में है, यहाँ। माय गॉड सर, सर वो चोरी हो गया। व्हाट? अच्छा, मुझे बंद इस रिसर्च की मदद से कोई रोबोट बन सकता है? जी नहीं सर, ये इसका सिर्फ एक हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा मेरे ससुर जी ने कहीं छुपा कर रखा है, जिसका किसी को कुछ पता नहीं सर। इसका मतलब तुम्हारे घर पर जो हमला हुआ था वो उस अधूरे हिस्से के लिए हुआ है, और ये जो भी है डेफिनेटली वापस आएगा। डैडी, नानी, बेटा सब ठीक हो जाएगा। आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए, ठीक है? ले जाओ इसे। ठीक है। सर, अगर आप इजाजत दिए तो एक बात पूछूं आपसे सर। बोलो बोलो। सर, मेरी बात समझ में नहीं आ रही सर। हमें उस आदमी को घर के अंदर पकड़ना है, तो फिर हम यहाँ घर से इतनी दूर पे कहीं क्यों बैठे हैं सर? क्या है ज्वाला भैया, वो जो भी है ना आएगा तो इसी रास्ते से आएगा ना, और अंदर जाएगा, है कि नहीं? जी हाँ सर। कम ऑन, निकलो बाहर, आ जाओ। Oh my God! रणवीर, ये क्या चीज है? ये तो कोई अजीब सी लिक्विड है सर। अगर उन्हें यहां तक आ सकता तो अंदर भी जा सकता सर। ओके, कम ऑन, आ जाओ। डॉक्टर अशोक, डॉक्टर अशोक, क्या हुआ? एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले यहाँ पे कोई आया था? नहीं तो, यहाँ कोई नहीं आया। डॉक्टर अशोक कहाँ है? वो अपने कमरे में ही होंगे, पर हुआ क्या है? सर, पूरा घर छान मारा, लेकिन डॉक्टर अशोक का कहीं पता नहीं चला। क्या? ये कैसे हो सकता है?
अब तक तो घर पर ही थे, कहाँ चले गए होंगे? रणवीर सर, ऐसा लिक्विड तो हमें गार्ड के लाश के पास भी मिला था ना? यस सर, लेकिन ये लिक्विड यहाँ इस घर में आया कैसे? इस चीज को मैंने उस समय देखा था। किस समय देखा था आपने? वो जब नानी को चोट लगी थी तो मैं दौड़कर उनके पास आया था, और ये दीवार पर था और कुछ ही देर में गायब हो गया। इसका मतलब ये है रणवीर के नानी पर जब हमला हुआ उस दरमियान भी ये चीज नजर आई थी, गार्ड की लाश मिली वहां पर भी ये चीज दिखाई दी थी, और अब डॉक्टर अशोक गायब है। सर मतलब ये है कि डॉक्टर अशोक किसी बड़े खतरे में है। रणवीर ये चीज बहुत ही अजीब है, मतलब जैसे कि होता ना कोई एक ऐसा धातु, मैंने मेटल, पिघला हुआ मेटल कहो या तो फिर उसका कोई हिस्सा। सर मेरे को भी ऐसे ही लग रहा सर। सर ये जो मेटल गिरा है पिघल के, ये इंसान के अंदर से कुछ लोहा टाइप पदार्थ, कुछ मुझे को लग रहा सर उन्हें खा लिया होगा सर वो पे। सॉरी सर मैं सोच रहा था ऐसा, तो ये जो भी है लेकिन यही चीजें जो हमें उस तक पहुंचा सकती है। राइट सर, आप जरूर ले रहे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो रणवीर, क्या अमित थोड़े जल्दी चलाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। धीरे रखो सुनीता, बस थोड़ी देर और, इस पुल से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। देवा ये क्या चीज है? ट्रैफिक जाम क्यों है यार इतना? बचाओ बचाओ, अमित क्या हो गया? अमित
मुझे क्या हो गया? समझते को भगवान सुनीता सुनीता गाड़ी गिरने वाली है. सुनीता तू नीचे उतर जा. तू नीचे उतर जा सुनीता. नहीं अमित, अगर मैं नीचे उतर गई तो गाड़ी गिर जाएगी. नहीं मैं नहीं उतरूंगी. सुनीता समझने की कोशिश कर, गाड़ी नीचे गिर रही है. सुनीता हमें हमारा बच्चा बचाना जरूरी है. नीचे उतर जा सुनीता. मैं तुम्हारे बिना ये परिवार नहीं बनाना चाहती. मैं नहीं जाऊंगी. सुनीता सुनीता नीचे उतर जा. सुनीता मुझे कुछ नहीं होगा तुझे, मेरी कसम. देवा मेरे साथ है. उतर जा. देवा ये तो रोबोट है. हटिए आप लोग, प्लीज प्लीज हटिए. सर क्या हो गया? वो रोबोट कहीं भीड़ में गायब हो गया. और क्या सर? वो इच्छाधारी सांप की तरह रोबोट चेहरे भी बदलता सर. इसका मतलब डॉक्टर अवस्थी के रिसर्च को छोड़ा करके किसी को रोबोट बनाया. और ये रोबोट इंसान की तरह सिर्फ सोच ही नहीं दिखता भी. I'm sure, sir. जिसने ये रोबोट बनाया है उसी ने डॉक्टर अशोक को भी किडनैप किया होगा ताकि वो रिसर्च का बाकी हिस्सा ले सके. अशोक कम मचाने वाले इस रोबोट के बारे में बताया जा रहा है कि इसे डॉक्टर के अवस्थी ने बनाया था. उनके बनाए इस रोबोट से मची तबाही के बाद लोगों में डर बैठ गया है. अरे सर, आप लोग उस रिसर्च के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? या फिर ऐसा कोई आदमी है जो वो रिसर्च पाना चाहता है? ढूंढना होगा हमें और उसके साथ साथ उस रोबोट को भी. आप मेरे डैडी को वापस ले आएंगे ना? सर, ये है डॉक्टर सुनील. 14 साल पहले इसने डॉक्टर अवस्थी की रिसर्च फाउंडेशन से रिजाइन कर दिया था. ओके. इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर वो एक बीवी थी सर जिसको तलाक दे दिया है. रणवीर है. ओके थैंक यू.
सर, डॉक्टर सुनील पिछले दो दिनों से गायब है। यानी दो दिनों में डॉक्टर अशोक की मां पर हमला हुआ और इसी दो दिनों से डॉक्टर अशोक भी गायब है। एक काम करो ज्वाला। यस सर। सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करो, अगर इसके बारे में किसी को अगर कुछ पता है तो हमें खबर करें। ओके सर। किसी भी कीमत पे ये हमें मिलना बहुत जरूरी है।